पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई, जहां सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से समय का आग्रह किया। जहां अगर बात करूं हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा और पक्ष रखते हुए कहा कि मामले में ईडी को पर्याप्त समय मिल चुका है, ऐसे में समय नहीं दिया जाना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को समय दिया है और मामले की अगली तारीख जो है 1 मई निर्धारित की गई है। बता दूं कि 30 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद रिमांड में लेकर ईडी ने पूछताछ किया था और अभी भी जो है मामले को लेकर जो है जांच प्रक्रिया जारी है। मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुके हैं, जिसमें 5 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य आरोपी जो है हेमंत सोरेन को बनाया गया है। उसके साथ जो आर्किटेक्ट है विनोद सिंह करीबी माने जाते हैं हेमंत सोरेन के, उसके साथ राजकुमार पाहन, हिलेरियस कच्छप जिनकी मौत हो गई है उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया गया था। उसके साथ साथ बड़गाई के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप प्रसाद इन्हें भी आरोपी बनाया गया था। कुल मिलाकर 5 आरोपी बनाया गया है। और उसके बाद आपने देखा होगा इसी मामले में सद्दाम हुसैन, जो कि जमीन घोटाले मामले के आरोपी है, उन्हें ईडी ने रिमांड पर लिया था, उनसे पूछताछ की गई थी और उनसे पूछताछ के बाद कई और जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की की भी गिरफ्तारी हुई थी और उन पर भी जमीन घोटाले मामले में संलिप्तता का आरोप लगा था। उसके साथ बिल्डर विपिन सिंह है और रंजन सहाय के साथ इरशाद अख्तर पर भी बड़ा आरोप लगा है कि जमीन की जो फर्जी कागजात थे वो हेराफेरी का काम जो है इरशाद अख्तर करते थे। तो मामले की लगातार जो है कार्रवाई चल रही है और अभी अफसर अली को भी रिमांड पर ईडी ने लिया है, उनसे भी जो है पूछताछ की जा रही है और ऐसे में एक बार फिर से मामले की आज सुनवाई हुई थी हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 1 मई को जब हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई होती है तो क्या कुछ पक्ष हेमंत सोरेन की ओर से रखा जाता है और ईडी की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, क्योंकि हेमंत सोरेन की ओर से जो है जमानत याचिका दाखिल की गई है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद है, उन्हें लग रहा है कि पीएमएलए की विशेष अदालत से उन्हें राहत मिलेगी और संभवतः वो आने वाले समय में जेल से बाहर आएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई होती है तो क्या कुछ होता है। न्यूज बायस्कोप के लिए कैमरापर्सन तापस के साथ नीरज कुमार। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क, गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, ट्रैम्पोलाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।